हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे एक और न्यू शानदार फैक्ट वीडियो में। आज फिर से हम आपके लिए मजेदार जानकारी लेकर आए हैं। सो फटाफट करते हैं वीडियो को स्टार्ट। क्या आपको पता है कि एक स्मार्टफोन को चार्ज करने का खर्चा कितना आता होगा पूरे साल में? आप जानकर हैरान हो जाओगे, क्योंकि जब मैं आपको बताऊंगा कि एक स्मार्टफोन को पूरे साल में चार्ज करने का खर्चा 8 से 28 रुपए तक का ही आता है। अब बात आती है iPhone 7 की। सो आप ये फोन को जितनी भी बार चार्ज कर लो, ये फोन में साल भर में 14.28 जितने ही बिजली लगेगी। इसके मुकाबले अगर बात की जाए नोकिया की, तो इसमें सिर्फ 6 रुपये ही बिजली का जुर्माना आपको भरना पड़ेगा। क्या आपको पता है कि डीजल की शोध किसने की थी? डीजल की शोध रूडोल्फ डीजल ने की थी, और रूडोल्फ डीजल ने आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि यह आविष्कार किसी भी काम का नहीं है। लेकिन आज हम जानते हैं कि डीजल बहुत ही महत्वपूर्ण ईंधन है। ये फैक्ट जानकर आप जरूर बोलोगे, ये क्या पागलपंती है? एक छात्र ने परीक्षा में अपने कान में सर्जरी करवा कर ब्लूटूथ फिक्स करवाया। मध्य प्रदेश के छात्रों से पूछा तो वो बताते हैं कि वो कई दिनों से पढ़ ही नहीं रहा था, लेकिन उसके पास बैठे हुए लड़के को थोड़ी थोड़ी आवाज सुनाई दे रही थी। यार, ऐसी चीटिंग तो मैंने अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखी। सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट की ओर। 8 मार्च को लॉन्च हो सकता है iPhone SE 3। ये फोन के बारे में न्यू दिल्ली ने कहा है कि चीन में फॉक्सकॉन ने iPhone SE 3 का उत्पादन शुरू कर दिया है। इसके लिए समर्पित कर्मचारियों को काम पर रखा गया है। उद्योग के सूत्रों के अनुसार ये फोन iPhone SE 3 एंड्रॉइड फोन का हिस्सा कर सकता है, इसलिए ये फोन 2022 में लॉन्च किया जा सकता है। ऐसा पहली बार होगा कि iPhone का न्यू फोन डिजाइन के साथ नहीं आएगा, मतलब न्यू डिजाइन के साथ नहीं आएगा। अस्त्रा 3.3 रॉकेट की लॉन्चिंग तो सफल हुई, लेकिन वो रॉक सैटेलाइट तक नहीं पहुंच पाया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? यह रॉकेट की लॉन्चिंग 7 फरवरी 2022 को फ्लोरिडा का एक फ्रॉस्ट स्टेशन में होने वाली थी। इस मशीन को नासा ने इलाना 41 नाम दिया था। रॉकेट के पहले स्टेज को फायर भी किया था, लेकिन अंत समय में उसे रोक दिया गया। लेकिन इस रॉकेट को बाद में कैलिफोर्निया के एक स्पेस कंपनी ने 10 फरवरी 2022 को रात के 1:30 बजे लॉन्च किया। लॉन्चिंग तो सफल रही, लेकिन रॉकेट इसके अंदर रखे 4 क्यूब स्पेस पानी को सैटेलाइट तक नहीं पहुंचा पाया। पंजाब नेशनल बैंक भारत का एक प्रमुख और पुराना बैंक है। यह बैंक की भारत के 764 शहरों में लगभग 4600 शाखाएं हैं। अब थोड़ा इसके इतिहास पर चलते हैं। भारत के लाहौर शहर में 1894 में स्थापित पंजाब नेशनल बैंक को ऐसा पहला भारतीय बैंक होने का गौरव प्राप्त है। पंजाब नेशनल बैंक का राष्ट्रीयकरण 13 अन्य बैंकों के साथ जुलाई 1970 में हुआ था। अपनी छोटी शुरुआत से आगे बढ़ते हुए पंजाब नेशनल बैंक अपने आकार तथा अपनी महत्ता में बहुत ही आगे बढ़ चुका है। यहाँ तक बात खत्म नहीं होती, ये भारत में प्रथम बैंकिंग स्थापन बन गई। क्या आपको पता है कि आर्कुट नाम का एक एप्लीकेशन इंटरनेट पर प्रसिद्ध रह चुका है? इस सब के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि ये एक प्रसिद्ध सामाजिक तंत्र व्यवस्था का समूह था, जो कि गूगल के द्वारा उसकी देखभाल की जाती थी। अब इसके नाम की बात आती है तो यह नाम गूगल के ही एक कर्मचारी आर्कुट ब्यूकोक10 के नाम पर से पड़ा था। ये उपयोग करने वालों को नए दोस्त बनाने में और वर्तमान संबंधों को बनाए रखने में मदद करता है। मतलब कि यह ऐप भी सोशल मीडिया के बाकी ऐप के जैसी ही है, जैसे कि इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक एक्सेट्रा। पहले तो इस ऐप में लॉगिन करने के लिए पुराने सदस्य के निमंत्रण की आवश्यकता रहती थी। यानी इस ऐप को लॉगिन करने के लिए किसी दूसरे यूजर की ऐप से लिंक शेयर करने पर लॉगिन होती थी, लेकिन अक्टूबर 2006 के बाद बिना निमंत्रण के लॉगिन की सुविधा दी गई है। आर्कुट का प्रयोग सबसे ज्यादा ब्राजील में होता है, जिसके बाद भारत भी दूसरे स्थान पर पहुंच चुका है। आर्कुट को 30 सितंबर 2014 में बंद कर दिया गया। क्या आप गांजा को जानते हो? गांजा नहीं गांजा, ये वही वाला गांजा जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। क्या आपको पता है कि इंटरनेट पर सबसे पहले कौन सी चीज खरीदी और बेची गई थी? वो गांजा ही था जो सोशल मीडिया की दुनिया में सबसे पहले खरीदा और बेचा गया था। महाराष्ट्र में स्थित पंचगंगा मंदिर प्राचीन भारत कला का एक अद्भुत मंदिर है। इस मंदिर में लगभग 1000 साल पहले बनी पत्थर की पाइपों से पानी पत्थर के बीच के गौमुख से सदैव टपकता रहता है। वो आज तक बंद नहीं हुआ। ये पानी वेत्रा, गायत्री, सावित्री, कृष्णा और कोयना के संगम से आता है, लेकिन इस बीच वाले कुंड में पानी जाने का रास्ता अभी भी पता नहीं चला, मतलब कि बना ही नहीं है। दुबई के रेगिस्तान में एक लव झील नाम की जगह बनाई गई है। ये लव झील 55,000 वर्ग मीटर में दो दिल के आकार की बनी हुई है, जिसके चारों तरफ 16,000 पेड़ लगे हुए है। रेगिस्तान में भी पेड़, ये बहुत ही अच्छी बात। सो इसके साथ वीडियो को करते हैं। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। प्लीज प्रेस सब्सक्राइब बटन, देन यू गेट नोटिफिकेशन ऑफ फैक्ट सेट न्यू अमेजिंग कंटेंट। बाय बाय।